Hello students, good morning. In this part of the video, we will discuss about the preparation of colloids. And colloids ke preparation ke liye hum teen methods ko padhenge. First hoga chemical method, then second hoga Bradix arc method and third hoga peptization. Aur ye teenon hi jo methods hain, wo exam ke point of view se kafi important hai. Okay, to chaliye start karte hain. Preparation of colloids. तो जब हम कॉलोइड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पे दो टाइप के कॉलोइड्स पढ़े थे, एक तो था लायोफोबिक और एक दूसरा था लायोफिलिक। लायोफोबिक और लायोफिलिक में डिफरेंसेस को भी हमने डिस्कस किया था। लायोफिलिक कॉलोइड वो होता है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। सो इन कॉलोइड्स को आप डायरेक्टली मिक्स करके बना सकते हो, बट जो लायोफोबिक कॉलोइड्स हैं उनमें डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम के बीच में रिपल्शन फोर्स होता है, जिस वजह से आप डायरेक्ट मिक्स करके इनको नहीं बना सकते हो। तो जब हम प्रिपरेशन ऑफ कॉलोइड्स की बात करेंगे तो हम बेसिकली लायोफोबिक कॉलोइड्स के प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि लायोफिलिक कॉलोइड्स को बनाने के लिए आपको किसी मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्ट मिक्स करके बना सकते हो या फिर उसको सिंपली थोड़ा वार्म करके या स्टिर करके भी आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट चीज़ ये कि जो हम प्रिपरेशन फोकस रखेंगे वो बेसिकली लायोफोबिक सोल्स के लिए फोकस रखेंगे। दूसरी चीज, हम जानते हैं कि कॉलोइड जो पार्टिकल है उसका साइज होना चाहिए इन द रेंज ऑफ 1 to 1000 नैनोमीटर, राइट? सो जितने भी मेथड्स हैं जो हमने डिस्कस किए, जिनका हमने नाम लिया केमिकल मेथड, ब्रेडिक्स आर्क मेथड एंड थर्ड वन पेप्टाइजेशन, जितने भी मेथड्स हैं उनको बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कंडेंसेशन मेथड्स और दूसरा डिस्पर्शन मेथड्स। कंडेंसेशन का क्या मतलब है? आपके पास जो पार्टिकल्स अवेलेबल है उनका साइज जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है, मींस कोलोइडल लेंथ से स्मॉलर पार्टिकल्स आपके पास प्रेजेंट है और आप उन पार्टिकल्स को कंडेंस करवा के कोलोइडल रेंज के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो। सो दिस काइंड ऑफ मेथड इज कॉल्ड कंडेंसेशन मेथड। इन कंडेंसेशन मेथड वी यूज द स्मॉल पार्टिकल्स। दूसरा, सपोज आपके पास कोई लार्ज पार्टिकल है जिसका साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है, तो उसको अगर आप ब्रेक डाउन करके कोलोइडल रेंज के अगर अंदर कन्वर्ट कर रहे हो तो उसका मेथड का नाम होगा डिस्पर्शन मेथड। सो जो मेथड्स आगे हम पढ़ेंगे, केमिकल, ब्रेडिक्स आर्क एंड पेप्टाइजेशन, उनमें से कुछ मेथड्स कंडेंसेशन टाइप के मेथड्स होंगे और कुछ जो है वो डिस्पर्शन मेथड्स होंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं केमिकल मेथड की। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन मेथड, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, और कंडेंसेशन मेथड में जो है कुछ रिएक्शंस हो सकती है, उन रिएक्शंस को हम देखते हैं क्या क्या रिएक्शंस है। अब देखिए, आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि कौन से रिएक्शन में किसका सोल या किसका कोलोइडल सॉल्यूशन हम बनाने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर H2S की रिएक्शन अगर आप कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ करवाएं, फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो आपको सल्फर का कोलोइडल सोल मिलता है। ओके, तीनों ही केसेस में वी गेट द कोलोइडल सोल ऑफ सल्फर। तो ये रिएक्शंस आपको ध्यान रहेंगी, साइड प्रोडक्ट्स आप थोड़ा सा देख लेना और देन रिएक्शन को बैलेंसिंग करना है। सो When H2S is reacted with some oxidizing agent like bromine water, sulfur dioxide or dilute HNO3, we get the colloidal sol of sulfur. Okay? So, ये तो हुआ oxidation method. दूसरा है reduction method. Reduction method को देखिए, जब हम reaction करवाएंगे gold के chloride की, जिसमें gold +3 oxidation state में present है, और reaction हम करवा रहे हैं tin स्टेनस क्लोराइड के साथ में, जिसमें टिन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो हमें मिल रहा है SnCl4, मींस टिन कन्वर्ट हो रहा है +2 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी टिन का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और गोल्ड कन्वर्ट हो रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, यानी गोल्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टिन से या स्टेनस से। तो यहां पर
रिडक्शन के बाद में गोल्ड का जो है सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, इसको हम रिडक्शन मेथड बोलेंगे। ओके, इसी तरीके से प्लेटिनम, सिल्वर, इन सब का भी रिडक्शन करवा के हम जो है सोल बना सकते हैं। अब देखिए, जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। टिन जो है वो मोर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है कंपेयर टू गोल्ड, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टिन का जो पोजीशन है वो गोल्ड से ऊपर रहेगा। सो ये इंटरडिसिप्लिनरी आपको थिंकिंग जो है वो जनरेट होनी चाहिए कि आप एक चैप्टर में पढ़े हुए टॉपिक को दूसरे चैप्टर से रिलेट कर सकें या उसके बारे में सोच सकें। थर्ड मेथड है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मेथड जो है ये हम लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल में भी बनाते हैं। क्या होता है, फेरिक क्लोराइड FeCl3, इसको जब हम वाटर के साथ हीट करते हैं तो हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडल सॉल्यूशन मिलता है और साथ में साइड प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये लायोफोबिक सोल है इसलिए ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसको रिमूव करना जरूरी होता है, अदरवाइज ये इसको वापस से प्रेसिपिटेट कर देता है, यानी आपको एक स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। सो ये मेथड हुआ हाइड्रोलिसिस। उसके बाद में नेक्स्ट है डबल डीकम्पोजिशन। डबल डीकम्पोजिशन क्या होता है, इस टाइप की रिएक्शन जिसमें ए बी प्लस एक्स वाई गिव्स ए एक्स प्लस बी वाई, यानी दोनों ही जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स है वो डीकम्पोज हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आर्सेनिक के ऑक्साइड की रिएक्शन जब H2S के साथ करवाएंगे तो आर्सेनिक का सल्फाइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये जो आर्सेनिक सल्फाइड है, दिस एग्जिस्ट इन द कोलोइडल रेंज। देन इसी तरीके से सिल्वर के नाइट्रेट की रिएक्शन जब हम सॉल्ट के साथ करवाते हैं NaCl के साथ में, तो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है या कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है और साथ में सोडियम नाइट्रेट भी बनता है। तो ये तो हुई केमिकल मेथड्स, बेसिकली कुछ सिंपल रिएक्शंस हैं, इनको आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो मेथड है वो है ब्रेडिक्स आर्क मेथड, और जिसका नाम जो है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड भी है। अब ब्रेडिक्स आर्क मेथड क्या है, देखिए इस डायग्राम पे जरा फोकस कीजिए। आपको जिस भी मेटल का सोल बनाना है उसी मेटल के हम इलेक्ट्रोड्स को पिक करते हैं। सपोज आपको गोल्ड का सोल बनाना है या फिर आपको सिल्वर का सोल बनाना है या फिर प्लेटिनम का सोल बनाना है, तो इनके सोल हम इस मेथड से बना सकते हैं। अब क्या होगा, इन इलेक्ट्रोड्स में हम हाई वोल्टेज का करंट जो है वो पास करते हैं। यहाँ पर इस कंटेनर में आपने पर्टिकुलर जो भी सूटेबल सॉल्वेंट है वो लिया हुआ है और उसके आसपास आपने इसको मेंटेन रखा है एक लो टेम्परेचर वाली कंडीशन में, बेसिकली आइस आपने लिया है ताकि आर्क के बाद जो टेम्परेचर जनरेट होगा तो उससे आपका जो सॉल्वेंट है वो वेपराइज होके ख़त्म ना हो जाए, कंज्यूम ना हो जाए, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को जिनमें हाई वोल्टेज का करंट है जब आपस में टच करेंगे तो यहाँ पर स्पार्किंग जनरेट होगी या आर्क जनरेट होगा, चिंगारी जिसको हम बोलते हैं, आपने देखा होगा जो वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग वेल्डर्स, तो वहाँ पे आर्क जनरेट होता है, वो एक स्पेशल तरीके का ग्लासेस पहन के वेल्डिंग के काम को करते हैं। तो उस आर्क की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोड में प्रेजेंट जो भी मेटल है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिस्पर्स होना शुरू होगी या डिकम्पोज होना शुरू होगी और वो पार्टिकल्स उस सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको जो है वो कोलोइडल सोल मिल जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड से हम गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम के सोल जो है वो बना सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि कैसे ये मेथड वर्क करता है। ओके, देन जो थर्ड मेथड है वो है पेप्टाइजेशन। अब ये जो पेप्टाइजेशन टर्म है दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। देखिए पेप्टाइजेशन है क्या, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ ए सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट इन स्मॉल अमाउंट। यानी सपोज आपके पास किसी सॉल्यूशन के अंदर
प्रेसिपिटेट प्रेजेंट है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो बॉटम में डिपॉजिट रहता है। अब इस प्रेसिपिटेट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कोलोइडल में। कोलोइडल के केस में क्या होगा कि ये जो प्रेसिपिटेट बॉटम में डिपॉजिट है, ये थ्रू आउट द सॉल्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर हो जाए तो ये प्रेसिपिटेट से कोलोइडल स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इस कन्वर्जन के लिए हमें एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो व्हाट इज पेप्टाइजेशन? द कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन बाय यूजिंग अ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसको हम बोलेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसके प्रेजेंस में जो पेप्टाइजेशन का प्रोसेस है ये प्रोसीड हो रहा है। अब देखिए, पेप्टाइजेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे, सभी एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फेरिक क्लोराइड के एडिशन की, फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल में। देखिए, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है उसमें जब हम फेरिक क्लोराइड को ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पे कॉमन आयन को आइडेंटिफाई करना है। कॉमन आयन यहाँ पे क्या है, Fe+3। सो क्या होगा कि ये जो कॉमन आयन है वो इस प्रेसिपिटेट के चारों ओर जाके एड्सॉर्ब होगा, और जैसे ये एड्सॉर्ब होगा इस पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। और इसी तरीके से फेरिक हाइड्रोक्साइड के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर Fe+3 एड्सॉर्ब होने की वजह से सभी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स बन जाएंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव 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 चार्ज जनरेट हो चुका है। अब आप जानते हो सेम चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, और इस रिपल्शन की वजह से जितना भी प्रेसिपिटेट जो बॉटम में डिपॉजिट था वो अब पूरे सॉल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या डिस्पर्स हो जाएगा। तो इस तरीके के मेथड को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन मेथड। देखिए, ये जो है एग्जाम में 2017, 18, 19, 20 हर बार रिपीट हो रहा है। तो प्रेसिपिटेशन जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो यहाँ पे जो है बेसिकली क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन हो रहा है कॉमन आयंस का उस प्रेसिपिटेट के ऊपर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। जब हम सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट पे सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करते हैं तो आप देखिए कॉमन आयन कौन है, सिल्वर। सिल्वर यहाँ पे एड्सॉर्ब होगा और सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल को पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल में कन्वर्ट कर देगा, और सेम चार्ज के पार्टिकल्स जनरेट होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से देखिए, अगर हम इसी सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट में पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करें, अब कॉमन आयन कौन है, सिल्वर है या पोटेशियम, आयोडीन, आयोडीन। ओके, सो अब एड्सॉर्प्शन होगा आई नेगेटिव का। ऑलवेज हमको कॉमन आयन को आइडेंटिफाई करना है और उसको एड्सॉर्ब करवाना है। तो जब आई नेगेटिव एड्सॉर्ब होगा तो अब पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज, और अगेन सेम नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अगर हम इसके सॉल्यूशन में ये वाला इलेक्ट्रोलाइट मिला दें तो कौन से चार्ज वाला कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। आपको सिंपली क्या करना है, कॉमन आयन को आइडेंटिफाई करना है, और जो कॉमन आयन है उस पे जो चार्ज है वही चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन पे भी रहेगा। जैसे यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड में कॉमन आयन कौन है, आई नेगेटिव। सो कोलोइडल सॉल्यूशन पे भी कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% मिलता ही है हर बार। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन के प्यूरिफिकेशन को। प्यूरिफिकेशन का मतलब कि अगर मान लीजिए कोलोइडल सॉल्यूशन में 1 to 1000 नैनोमीटर से
कम या ज़्यादा साइज़ के भी पार्टिकल अगर प्रेजेंट है, तो अगर ज़्यादा साइज़ का पार्टिकल है तो उसको तो अपन फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं, है ना। सस्पेंशन अगर है, मतलब सस्पेंशन के अभी वहाँ पे कुछ फ्रैक्शन है तो उसको अपन फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर लेस देन 1 नैनोमीटर वाला अगर कोई प्रेजेंट है तो उसको हम सेपरेट करने के लिए जो है कुछ मेथड्स को, प्योरिफिकेशन मेथड्स को यूज़ में लेना होता है, उसी को हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे ब्राउनियन मोशन की, टिंडल इफेक्ट की, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सारे टॉपिक्स अपन डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड, चार्ज कोलोइड के ऊपर होता है ना, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो होगा एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड्स। ओके, सो ये नेक्स्ट क्लास के टॉपिक है। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मान लीजिए आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट है और उसमें हम मिक्स करते हैं नंबर 1 सोडियम ब्रोमाइड, नंबर 2 सिल्वर नाइट्रेट एंड नंबर 3 सिल्वर आयोडाइड। तो मुझे बताइए इन तीनों ही केस में जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा पेप्टाइजेशन के थ्रू, उन पे कौन कौन सा चार्ज जनरेट होगा? क्या वो चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये आपके लिए आज का टास्क है, आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, सो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर joining the class.